शोलापुर नाम की नगर में माला और ममता नाम के सास बहू थे। माला बहुत नखरे वाली थी और गुस्सा भी उतना ही था, अपनी बहू के बारे में थोड़ा सा भी कदर नहीं था। मगर ममता बहुत अच्छी थी, उसकी सास की बातें उसको सर आंखों पे, सास कुछ भी कहे मगर वो बहुत सहनशीलता से चलती थी। एक दिन माला टीवी देख रही थी तो उसकी फोन बजती है। अरे इस फोन को कोई दूसरा काम ही नहीं है, जब देखो तब बजता ही रहता है, कहते हुए फोन उठाती है। हेलो कौन है? अरे मैं हूँ तुम्हारी फ्रेंड विजया। अरे तुम कैसी हो? अरे क्या बोलूँ माला, अगर मेरी बेटी की शादी करूंगी तो आने वाली बहू मुझे अच्छे से देखभाल करेगी, ये मैंने सोचा था, मगर ये महारानी मुझे तो रेत की तरह पीस रही है। अरे कैसी सास हो तुम, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है कि बोल रही हो बहू तुम्हें मार रही है? बहुओं को कैसे कंट्रोल में रखना है ये भी एक कला है, शायद तुम्हें ये पता नहीं। वही मेरी बहू को देखो, जितना बोलती हूँ उतना करती है, बैठो बोलने से बैठती है, उठो बोलने से उठती है। ऐसे विजया के सामने अपना बड़प्पन दिखाते हुए घर में जो बहू को बुलाती है, अरे ममता कहाँ मर गई तुम, ऐसे जोर से बुलाती है। उसकी बहू ममता दौड़ते दौड़ते आती है। हाँ माँ जी बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? अरे क्या चाहिए पूछ रही है मुझे? इस टाइम पे मैं क्या पीती हूँ पता नहीं है? हाँ आपको जूस लेके आऊँ माँ? और नहीं तो क्या? 5 मिनट सासू माँ, अभी लाती हूँ, कहते हुए रसोई में जाती है। इस तरफ फोन लाइन पे बात करते हुए विजया, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, सास के लिए उसके मन में कितना आदर है। मुझे क्या समझी हो, जब भी तुम फ्री हो तब घर आ जाना, मैं समझाती हूँ बहू को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। अब फोन काट दो, मुझे जूस पीना है, कहते हुए फोन काट देती है। उतने में ममता जूस लाके देती है, जूस हाथ में लेके थोड़ा सा पीते हुए, अरे इसमें क्या मिलाया है? ग्लूकोज मिलाया है माँ जी। उस बात को सुनते ही ममता के मुँह पे वो जोर से जूस की ग्लास फेंक देती है। ग्लूकोज मिक्स करने के लिए किसने बताया था तुम्हें? पागल कहीं की, एक काम भी ठीक से करने नहीं आता है, जाओ पहले बिना ग्लूकोज के जूस लेके आओ, कहते हुए जोर से चिल्लाती है। ममता की आंखों में पानी भर आता है, रोते रोते फिर से किचन में चली जाती है, फिर से जूस बना के माला को ले आती है। ऐसे माला ममता को बहुत तकलीफ देती थी, ऐसे अपनी सास बनने की घमंड दिखाती रहती थी। एक बार अचानक जंगल से बकरी की भीड़ से एक बकरी इनके नगर में चली आती है, आके माला के घर के सामने खड़ी होती है। उस बकरी को देखते हुए ममता कहती है, अरे ये बकरी कितनी सुंदर है, बेचारी किसकी है पता नहीं, शायद रास्ता भूल के इस तरफ आ गई है, मगर इस नगर में तो भेड़ बकरी पालने वाले कोई नहीं है, शायद ये जंगल से इस तरफ आया होगा, इसको मैं ही पाल लेती हूँ। तभी वहाँ पे माला आती है और उस बकरी को देखती है। अरे इस बकरी कहाँ से आया? पता नहीं सासुमा, जब मैंने देखा तब ये यही खड़ा था। अच्छा इसको अगर हम मटन शॉप में बेच देते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे, अभी उसको कॉल करती हूँ, कहते हुए उस बकरी को टटोलते हुए देखती है। अरे ये तो पेट से है, इसको भगा दो। नहीं सासू माँ, मैं इसको पालूंगी। अरे इस घर में तुम्हें खाना डालने के लिए ही प्रॉब्लम है, और इसको कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी रखेगा, इससे कोई लाभ है क्या? कम से कम दूध तक नहीं देती, इसको भगा दो। प्लीज सासू माँ, इसको जो चाहिए वो सब कुछ मैं करूँगी, ऐसे कहते हुए बहुत रिक्वेस्ट करती है। ममता बहुत गिड़गिड़ाने के बाद थोड़ा सोच के माला कहती है, अभी बेचोगे तो मटन शॉप वाला खरीदेगा नहीं, मगर इसको बच्चा होने के बाद मैं बेच सकती हूँ ना? हाँ अगर ये बच्चा देता है तो बच्चे को मैं रखूँगी और इसे बेच दूँगी, थोड़े बड़े होने के बाद उन बछड़ों को भी बेच दूंगी, मुझे डबल अमाउंट मिलेगा। ऐसे मन में सोचते सोचते उस बकरी को घर में रखने की अनुमति देती है। ममता बहुत खुश होती है, उस बकरे को पीछे वाले आंगन में बांध के उसे दाना पानी देती है और उसके सामने बैठ के, अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी देखभाल मैं अच्छे से करूंगी। जब ममता ये कहती है तो
बकरी की आंखों में भी पानी भर आता है। वह प्यार से अपना सर ममता की गोद में रखता है। ममता प्यार से उसके सर पे हाथ फैलाती है और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करती है। वह बकरी भी जहाँ ममता वहाँ पे जाती थी और जो बोलती थी वो सुनती थी। मगर माला मन ये सोच रही है, अरे मैं इसको कब बेचूंगी। घर का सदस्य बना हुआ बकरी ममता को हेल्प भी करती थी। एक दिन माला हॉल में टीवी देखते हुए नींद में चली जाती है। ममता भी घर के सारे काम खत्म करके सो जाती है। बकरी हॉल के एक कोने में बैठी थी, तभी एक सांप धीरे से घर में घुस के माला की कोठे के नजदीक आता है। सांप को देखते हुए बकरी लगातार चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज सुन के बहुत गुस्से से उठती है माला। अरे बदमाश, मुझे शांति से नींद भी नहीं करने दोगे, तेरी मुंह बंद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कहते हुए उठ के देखती है, उसकी कोठे के बगल में सांप है। डर से कांपते हुए दूर जाके खड़ी होती है। सांप भी डर के मारे वहाँ से चला जाता है। सांप जाते ही सासू माँ की आवाज़ सुन के ममता भी उठाती है। अरे सासू माँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूछ रही है? अगर आज इस बकरी नहीं होती तो मेरी तो जान ही चली जाती, इस बकरी से मेरी जान बची। कहते हुए उसके पास आके उसके सर पे हाथ फैलाती है। क्षमा कर दो मुझे, तुम पेट से हो ये जानते हुए भी तुम्हें मैं मटन शॉप में बेचना चाहती थी, मगर तुम मेरी जान बचा दी। आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं ममता से भी बहुत प्यार से रहूंगी। इस सबक से माला अपना गुस्सा और घमंड छोड़ के हंसते खेलते ममता के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। बसंतपुर के जंगल में दो हफ्ते से बारिश हो रही थी। इस बार तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में पानी भरता जा रहा है और तेज हवाओं से घोंसला डगमगा रहा है। बबली मम्मी, टिल्लू पापा, चलो तुरंत ही घोंसला खाली कर देते हैं। फिर पीलू अपने माता पिता के साथ घोंसला खाली कर देती है और वैसे ही उसका घोंसला टूट जाता है। ये कैसी आफत आ गई है हमारे ऊपर, इतनी तेज बारिश में मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कहाँ कहाँ भटकूंगी, काश कोई मेरी मदद कर दे। तभी पीलू चिड़िया को एक पेड़ के पास एक बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है और वो अपने माँ बाप के साथ उस गुलाब की तरफ जाती है। बेटी चल उस गुलाब के नीचे हम रुक जाते हैं, इस बारिश में कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन जब वो लोग गुलाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उसमें दरवाजा दिखाई देता है। वो लोग जल्दी से उस दरवाजे से घर के अंदर चले जाते हैं। माँ इस घर में तो घर का सारा सामान है, लगता है इसमें पहले से कोई रह रहा है। तो बबली कहती है, अब क्या करें बेटी, हम अब बाहर नहीं जा सकते इतनी बारिश में। तो पीलू बोलती है, माँ आप दोनों अब आराम लो, यहाँ जो थोड़ा बहुत खाने के लिए है उसको खा लेते हैं, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर पीलू अपने माता पिता को खाने के लिए कुछ दे देती है। फिर वो तीनों सोने के लिए लेट जाते हैं। मैं जागती हूँ, नहीं तो मेरे माता पिता को कोई जानवर इस बारिश में नुकसान ना पहुँचा दे। थोड़ी देर में पीलू को उस गुलाब के घर के बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे ये क्या, कौन है मेरे घर में जिसने अंदर दरवाजा बंद कर रखा है, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, कौन है अंदर। ये आवाज सुनकर पीलू दरवाजा खोलती है और घर के बाहर आती है। ए, तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। तो पीलू बोलती है, पर आप है कौन, मैं जब घर में आई तो यहाँ कोई नहीं था। तो कालू कहता है, मैं कल से खाना लेने के लिए गया था, आज लौट पाया हूँ, तुम मेरे घर से बाहर जाओ। तो पीलू बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बूढ़े माँ बाप है, मैं उन्हें लेकर बाहर इतनी बारिश में कैसे जाऊंगी। कालू घर के अंदर आता है और पीलू की माँ बाप की हालत देखता है, उसे उन पर दया आ जाती है। तो कालू कहता है, अरे इनकी हालत तो बहुत खराब है, पीलू जी मैं आप लोगों को अब घर से नहीं निकाल सकता हूँ। तो बबली कहती है, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, जैसे ही बारिश रुकेगी वैसे ही हम वापस चले जाएंगे। कालू ऐसे ही पीलू और उसके माँ बाप का ख्याल रखता है। थोड़े दिनों में कालू और पीलू एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन बारिश रुक जाती है
और पीलू और उसके माता पिता वापस जाने के बारे में प्रस्ताव करते हैं। कालू जी, आपने हम सब का बहुत ख्याल रखा है, हम इसके लिए आपके एहसान मंद रहेंगे। तो कालू कहता है, इसमें एहसान किस बात का, आप सब इतनी मुसीबत में थे, मैं आपके काम आ सका यही बहुत बड़ी बात है। तो बबली कहती है, बेटा तुम बुरा ना मानो तो हम एक बात कहेंगे, हमारी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है और तुम बहुत ही नेक लगे हो, इसलिए क्या हम पीलू के रिश्ते के लिए तुम्हारे माता पिता से बात कर सकते हैं? तो कालू कहता है, जी वो हाँ 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 जी कर सकते हैं। ये सुनकर पीलू शर्मा जाती है और कुछ ही दिनों में कालू और पीलू की शादी हो जाती है। पीलू, आज वैलेंटाइंस डे है और गुलाब के इस घर में आज के दिन ही तुम्हारा गृह प्रवेश हो रहा है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो पीलू कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत बात है कालू जी, आपको भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। फिर पीलू अपने पति कालू और ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।